गुड मॉर्निंग सर क्लास, आप सभी अपनी हिंदी की बुक निकालेंगे। चैप्टर नंबर 14, ईश्वर ही देता है। हम सभी ने आपको चैप्टर अच्छे से समझाया था कि किस प्रकार से ईश्वर देता है। ईश्वर के बिना कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमें मिल सके, ठीक है। ईश्वर के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसे कहते हैं ना। तो क्या था कि एक राजा था जिसके इस महल में दो भिखारी भीख मांगने के लिए आते थे। उसमें क्या था, एक युवा भिखारी था, एक बूढ़ा भिखारी था। युवा भिखारी जब राजा उन दोनों को दान देता तो युवा भिखारी क्या कहता था कि राजा ने दिया, राजा ने दिया। और बूढ़ा भिखारी क्या कहता था, ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने दिया। फिर राजा को एक दिन इस बात पर सोचने लगा कि मैं उसको भीख देता हूँ, परंतु वह कभी भी ये बात नहीं कहता कि ईश्वर ने, राजा ने दिया। वह हमेशा ईश्वर का ही नाम लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या करता है युवा राजा, क्या करता है, एक दिन एक तरबूज मंगवाता है अपने, और फिर वहाँ तरबूज को काट कर उसके अंदर सोने के सिक्के भरवा देता है। फिर जब अगले दिन बूढ़ा और युवा भिखारी भीख मांगने आते हैं तो युवा भिखारी को तरबूज दे देता है और बूढ़े भिखारी को कहता है कि तुम जाकर अपने ईश्वर से मांगो। युवा भिखारी क्या करता है, उस तरबूज को ले जाकर बाजार में बेच देता है। बाजार में बेचने के बाद जब बूढ़ा भिखारी बाजार में भीख मांगने जाता है तो वो बाजार वाला सब्जी वाला उसको वो तरबूज दे देता है। जब भिखारी उसको काटने घर जाकर काटता है तो उसमें सोने के सिक्के निकलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा युवा भिखारी था वो क्या करता है, तरबूज को बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे खाना खाता है। अगले दिन जब फिर दोबारा राजा के महल में भीख मांगने जाते हैं तो राजा पूछता है बूढ़े भिखारी से, क्या तुम्हें ईश्वर ने दिया। तो बूढ़ा भिखारी अपनी सारी कहानी राजा को सुनाता है तो राजा कहता है कि हाँ ठीक ही कहते हैं कि ईश्वर ने दिया, जो जिसके कर्म में जैसा होगा ईश्वर उसको वैसे ही देता है। क्योंकि राजा ने वो तरबूज युवा भिखारी को दिया था, परंतु वो तरबूज गया किसके पास, बूढ़े भिखारी के पास, ठीक है। हमने इसके कठिन शब्द शब्दार्थ करवाए थे, क्वेश्चन आंसर भी आप सबको करवाए हैं। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हमारी एक्सरसाइज है बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। आप सभी ने क्वेश्चन आंसर किए, अब करेंगे इसके बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या है, राजा ने सोने के सिक्के कौन से फल में भरवाए। पपीते में, खरबूजे में, पपीते में, खरबूजे में, खरबूजे में भी नहीं थे, तो फिर क्या था, तरबूज पर टिक्का निशान लगाएंगे, ठीक है क्लास। राजा जयंत के राज्य का क्या नाम था। जयंतपुर, चंदनपुर, जयंत नगर।
जैनपुर, चंदनपुर, जयंत नगर। क्या जब हमने चैप्टर को पढ़ा था तब हमने आपको बताया था कि राजा का नाम तो जयंत था और उसके राजा का नाम क्या था? चंदनपुर। तो किस चीज पर टीका निशान लगाएंगे? चंदनपुर पर। सभी इसको अपने बुक में फिल करेंगे। सभी लिखें अपने बुक में, अच्छे से इनको फिल करेंगे। सभी ने लिखा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, कौन बोला? उसके बाद लिखेंगे कौन बोला। कौन बोला? पहला है ईश्वर ने दिया। ईश्वर ने दिया किसने कहा था? बूढ़े भिखारी ने। लिखेंगे पहला, ईश्वर ने दिया है। आगे है जाओ जाकर ईश्वर से मांगो। जाओ जाकर ईश्वर से मांगो। राजा ने दिया है। राजा ने दिया है। तीन,
राजा ने दिया है, राजा ने दिया है। नंबर चार, क्या तुम्हें ईश्वर ने कुछ दिया था? क्या तुम्हें ईश्वर ने कुछ दिया था? ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन है, कौन बोला? ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, किसने बोला था? बूढ़े भिखारी ने। यहाँ पर लिखेंगे बूढ़े भिखारी ने, उत्तर है ये हमारे। फिर आगे है, जाओ जाकर ईश्वर से मांगो। किसने कहा? राजा ने कहा, बूढ़े भिखारी ने कहा। आगे लिखेंगे राजा ने कहा। उसके बाद है, राजा ने दिया, राजा ने दिया, किसने कहा? युवा भिखारी ने कहा। देखिए, युवा भिखारी ने कहा। उसके बाद है, क्या तुम्हें ईश्वर ने कुछ दिया था? किसने कहा था? राजा ने, राजा ने कहा। सभी लिखे हैं बुक में, फिर करें इसको। सभी ने किया। उससे आगे है, भाषा की समझ। कुछ शब्द दिए गए हैं, सर्वनाम आपको चैप्टर से छाट कर लिखने हैं। उसके बाद है उल्टा पुल्टा। लिखेंगे उल्टा पुल्टा। दिए गए शब्दों को विलोम के साथ मिलाओ। विलोम शब्द से मिलाओ। शब्द है हमारे
आज सुख बेचना सौदा देना कल दुख दुख लेना है। वो क्या था, विलोम शब्द के साथ मिलाना है। तो बड़े के साथ क्या है, छोटा। आज, आज के साथ क्या मिलाएंगे, कल। बेचना खरीदना, देना लेना, दुख सुख, सभी को मिलाएंगे किया। ये हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज थी, आप सभी इसको लिखेंगे अपने बुक में, अच्छे से फिल करेंगे इसको, ठीक है क्लास। यहाँ तक समझ में आया, ओके थर्ड क्लास, थैंक यू।